चाइनीज माने से लगातार घटनाएं हो रही हैं। पिछले कई सालों से लगातार चाइनीज माने से लोग जख्मी हो रहे हैं। कोई अगर हाईवे पे जा रहा है, रोड पे जा रहा है, और स्कूटी पे या साइकिल पे कोई बुजुर्ग जा रहा है या कोई बच्चा जा रहा है, तो उसको चाइनीज माया लगता है, वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कल भी ये घटना हुई है और मैं खुद उनसे मिलने आया हूँ, बच्चे से, नाले पार का बच्चा है वो, तो उसके भी यहाँ पर नाक पे और यहाँ पर टाँके आए हैं और वो यहाँ से नाक पे निशान है उसके। तो आज क्या मिलने आए आप? हाँ, मिलने आया हूँ मैं उससे आज। हाँ, और उसका हालचाल जानने आया था, तो उसने ये बताया, उसके घर वाले, उन्हें बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई। कहीं अगर नीचे यहाँ लग जाता वाजा तो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला हो सकता था, लेकिन लगातार चाइनीज वाजा उड़ा है, बिक रहा है और आ रहा है बाहर से, रुक नहीं पा रहा है। हमारी मांग है कि चाइनीज माना मुकम्मल बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि चाइनीज माजा जानलेवा है, चाइनीज माजा बहुत ख़तरनाक है। लेकिन और हमारे जो शहर के हमारे सम्मानित सभी समाज सेवी हैं, उनको भी और मैं उनके साथ मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे कि चाइनीज माजा बिल्कुल बंद होना चाहिए। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से ये मांग है कि प्रशासन इस पर रोक लगाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो चाइनीज माजा बेच रहे हैं।